हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सबने मॉक टेस्ट दिया है नहीं दिया ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया तो मॉक टेस्ट जरूर देना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि ये सोचते होंगे कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम मॉक टेस्ट क्यों दें, तो ये बिल्कुल मत सोचिए आप। मॉक टेस्ट संडे मतलब वीक में एक बार तो मॉक टेस्ट आता है, तो आप दे लीजिए। कौन सा आपको डेली देना है, तो आप हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट देने को मिलता है तो आप जरूर दीजिए। आप इस चीज़ से डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए कि मेरे नंबर कम आएंगे, है ना, तो मत सोचिए बात। क्योंकि आप बस इतना सोच पॉजिटिव सोचे चलो कि जो हमने पढ़ रखा है वो मॉक टेस्ट में आ रहा है और हम उसे सही कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। जो हमने पढ़ लिया, जो सीख लिया, उसे हम सही कर पा रहे हैं, ये सोचो बस। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना, मॉक टेस्ट जरूर देना, ठीक है। तो आज के मॉक टेस्ट का हम एनालिसिस करें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है तो मेरे हिंदी में 19 क्वेश्चन ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन करने लायक थे। हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी गई थी, इजी पूछी गई थी, जिसमें से मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो मेरा उसका जो गरीब करके था ना, ये गरीब जो है जाति वाचक संज्ञा भाव वाचक संज्ञा, उसमें जाति वाचक संज्ञा था, मैंने विशेषण लगा दिया। विशेषण क्या लगा दिया कि मैंने जो कि यूपी पुलिस ने पढ़ रखा है तो थोड़ा मैं एडवांस सोच लिया उसे, तो इस वजह से मेरा गलत हो गया। खैर कोई नहीं, रीजनिंग में अपने 18 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे। जो स्किप करिए वो सेटिंग के और पजल टाइप के थे, थोड़े बहुत टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे। जीडी में आपको पता ही, मॉक टेस्ट में टाइम का थोड़ा ज़्यादा इशू रहता है, तो जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले जो लेंथी होते हैं उन्हें छोड़ना ही बेटर होता है। और मैथ में मेरे 17 क्वेश्चन ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे। स्किप जो क्वेश्चन मैंने किया है वो मेरा आपका बोटन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन गलत छोड़ा है, और एक एक और था गुजरा, और जीएस के 14 क्वेश्चन ठीक है, जिसमें 6 क्वेश्चन गलत हो गए, 20 के 20 अटैम्प्ट किए थे। ओवरऑल 68 क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो लेवल की मैं बात करूं, जीएस का लेवल आसान सा ही था, है ना, इतना टफ नहीं था। अगर आपके 12 14 15 भी सही हैं तो बहुत अच्छे हैं जीएस में। मैथ में आपने लगभग आपको 15 16 क्वेश्चन करने लायक थे, आराम से कर देते। रीजनिंग में तो आपको बताऊँ, रीजनिंग में 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े टाइम टेकिंग वाले, रीजनिंग में आसानी पूछी गई थी। तो आपको अब मैं बताऊं, आपने जो स्टूडेंट ने नंबर कमाए होंगे इस मॉक टेस्ट में जिसके भी, तो आप एक काम करना, आपको काम क्या करना है कि जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर आपने जो स्किप कर दिया क्वेश्चन, आप उन क्वेश्चन का एनालिसिस करना, अपने कॉपी में लिखना। कॉपी में जैसे आपको मैं दिखा दूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते, इस टाइप से जैसे मैं लिखता हूँ ना, इस टाइप से आप लिखना शुरू कर दीजिए। फिर आप क्या करना कि जो आपके हफ्ते मतलब जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते ना, उन्हें लिखिए, फिर उनका रिवीजन करते रहिए करो। जो कॉन्सेप्ट है आपका वो आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, फिर गलत हो गया, उस क्वेश्चन को इतना सीख लीजिएगा, अगली बार क्वेश्चन वो आए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। अपन अपने अंदर ये प्रेरणा बनाइए कि मुझे मेरा आज जो मुझसे गलती हुई है वो अगली मॉक टेस्ट में मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, बस अपना अंदर ये भावना लेके आइए। और साथ ही मैं बात करूँ आपको जीएस में, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है कि जीएस को कहाँ से तैयार करें, तो जीएस की मैं बता दूँ, अगर आपने जीएस को पहले थ्योरी वाइज पढ़ रखा है किसी भी बैच में कहीं से भी, या बुक से पहले भी आपने पढ़ रखा है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, नवीन सर की नायक सीरीज है ना यूट्यूब पर, आप उसे कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए उसे, तो आपका काम हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके तो मैं आपको बताऊँ, पहले आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट करते रहिए, आपका लगभग कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। तो आप अपना जो है पहले मॉक टेस्ट लगाते रहिए और अपनी बार बार रिविजन, जो पहले आपने पढ़ रखा है ना लास्ट मतलब बैच में जो आपको हो गया है, तो उसका रिविजन भी करते रहिए साथ ही साथ में, है ना। ज़्यादा इधर हो तो मत बैठे ना, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना पढ़ाई में लगाओ, और रिविजन ज़्यादा प्रायोरिटी देना रिविजन को, रिवीजन ज्यादा बेस्ट है। मतलब कहते हैं कि आपने सुना भी होगा कि कोई 10 चीज़ नहीं पढ़ने से अच्छा है कि जो हमने पहले कर रखा है उसी का बार बार रिवीजन कर लें, रिवीजन बेस्ट है, रिवीजन ही ज़्यादा आपको करना है, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये नहीं है कि आप वो आगे बढ़ते जाएं, जो आपने पहले लिख रखा है, जो नोट बना रखा है, उनका रिवीजन नहीं कर रहे। जीएस में जो आपने पढ़ रखा है ना, एक टाइम बना लीजिए कि मुझे संडे को जीएस का पूरा रिवीजन करना है जो मैंने पहले पढ़ रखा है, ऐसे करते रहिए ना। तो छोटे छोटे टारगेट बना के अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए। कंटिन्यूटी जो स्टूडेंट बना के रखता है सिलेक्शन उसी का होता है, ठीक है। और भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, है ना। तो और आप इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।